अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल? यस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास चैप्टर चल रहा है। जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है, और कौन सा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, क्या नाम है उसका? बुशेस एंड प्लांट, नो, और क्या है भाई, कौन सा है नाम? यस, उसका नेम है ब्लैक गोल्ड। जी ब्लैक गोल्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ज़रा बताइएगा कि ब्लैक गोल्ड चैप्टर जो है वो किस चीज़ के बारे में, क्या गोल्ड के बारे में है, क्या किसी कलर के बारे में है, ब्लैक के बारे में, ग्रीन के बारे में, किसके बारे में भाई? जी गार्बेज के बारे में है। वेरी गुड, गार्बेज के बारे में। अच्छा ये बताइए मुझे कि गार्बेज कितने किस्म के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं गार्बेज की? 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है? ड्राई गार्बेज होता है, वेरी गुड, और वेट गार्बेज होता है, वेरी नाइस। वेट गार्बेज से हम क्या कर रहे होते हैं? हम उससे बेस्ट सॉइल बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताइए, एक्सक्यूज़ मी, आवाज़ नहीं आ रही है, ज़ोर से बोलें, यस, और ज़ोर से बोलें, यस, वेरी गुड, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने गार्डन में डाल सकते हैं, और इससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, है ना भाई? ड्राई गार्बेज से क्या होता है भाई, ये बताइए, ड्राई गार्बेज क्यों, कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसे हम रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल क्या होता है? कि हम चीज़ों को दोबारा तोड़ के, या हम उसके ज़रिए कोई नई चीज़ बना सकें, है ना भाई? उसे कहते हैं रिसाइकिल होना। हम अपने वेट गार्बेज को रिसाइकिल नहीं कर सकते, है ना? वेट गार्बेज हमारा रिसाइकिल नहीं होता, बल्कि हम उसके ज़रिए जो है वो ब्लैक गोल्ड बनाते हैं। लेकिन हमारा ड्राई गार्बेज जो होता है, जो कि हम अपना अलग कर देते हैं, जिसको हम 4 सेक्स में रखते हैं, 4 पोर्शंस बना सकते हैं, जिसके वो कौन कौन से हैं, प्लास्टिक है हमारा, मेटल है, ग्लास है, और पेपर है, इनको हम अलग अलग सेक्स में रख सकते हैं, ताकि हम इसको रिसाइकिल कर सकें, दोबारा से इनको से चीज़ें हम बना सकें, है ना भाई? हमारे पास मौजूद है इस वक्त एक एक्सरसाइज, जिसमें हम देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में ये क्या बता रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक है एक्सरसाइज 10 एंड्रॉइड की, पेज नंबर आप खोलें यहाँ पे 51, ओपन योर पेज नंबर 51, यहाँ मौजूद है थिंक एंड्रॉइड की एक्सरसाइज, और उसमें हम क्या करेंगे जी? आपको पता है जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसमें पहले हम पढ़ते हैं अच्छे से, हम रीड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है। ठीक है, Think of any 4 items that can be recycled and 4 items that cannot be, यानी can't be recycled. हमें 4 ऐसे items के बारे में सोचना है जो कि recycle हो सकते हैं, और 4 ऐसे items के बारे में सोचना है जो कि recycle नहीं हो सकते। हमें क्या करना है? एक चार्ट बनाना है। चार्ट क्या बनाएंगे? चार्ट तो यहाँ बना हुआ है। ठीक है जी, आप देखें यहाँ पे 2 चार्ट बने हुए हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, और उस 2 कॉलम्स में क्या है, एक में लिखा हुआ कैन बी रिसाइकल्ड और एक में लिखा हुआ कांट बी रिसाइकल्ड। वो चीज़ें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि हमारा वेट गार्बेज, वो सॉरी फिर भूल गई मैं, है ना भाई? चले देखा, सॉरी करी मैंने, इसका मतलब क्या कि मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, जब भी आपसे कोई गलती हो तो मैं क्या करना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सॉरी बोल देनी चाहिए, है ना भाई? जी जैसे मैंने अभी बोला कि हम जो हैं अपने ड्राई गार्बेज को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन अपने वेट गार्बेज को रिसाइकिल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ये सोचें कि हमारे पास ड्राई गार्बेज कौन कौन सा मौजूद है ऐसा, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हमें किसी भी 4 आइटम के बारे में यहाँ लिखना है। अब ज़रा जल्दी से मेरे साथ में सोचिए कि भाई कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कौन सा ऐसा आइटम्स मौजूद हैं जो कि ड्राई हैं और उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है पेपर। जी पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा से, और क्या चीज़ है भाई? जी हम यहाँ पे जो हमारे पास जैम जेलीज की बॉटल्स होती हैं, जो हमारे पास वाटर बॉटल्स होती हैं, और हमारे पास क्या होती हैं, केन्स होते हैं जूस के, वेरी गुड, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, हम जैम जेली बॉटल्स देख सकते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स देख सकते हैं, और जो हम शॉपिंग बैग्स लेके आ रहे होते हैं ना,
उनको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्टन्स मौजूद होते हैं, जो ऑयल के डब्बे हमारे पास आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें पैक होके आ रही होती, बिस्किट्स आ रहे होते हैं, उस एक पैकेट को, उस डब्बों को हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। हमारे पास से केन्स आ रहे होते हैं जिसमें कुछ जूसेस होते हैं, कुछ बॉटल्स में इस तरह के हमारे पास मौजूद होती हैं 10 KB, जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल्स कर सकते हैं, कार्टन्स को कर सकते हैं, बॉक्सेस को कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, या हमारा ड्राई गार्बेज होता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपकी जहन में आती हैं, आप जो हैं और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपने ऑब्जर्व करना है, एक्सप्लोर करना है, सोचना है, डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ में, बहन भाइयों के साथ में, कि हमारे पास ऐसे क्या ड्राई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ड्राई गार्बेज मौजूद है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब है कांट बी रिसाइकिल, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो हमारा कौन सा लेफ़्ट ओवर फूड है। जी, जो लेफ़्ट ओवर फूड हमारा होता है वो कौन कौन सा होता है, कि हम जो हैं सबसे पहले हमारे जो वेजिटेबल्स और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनका छिलके जो होते हैं, जिनको हमको पील ऑफ कर रहे होते हैं, उनके पील्स जो होते हैं वो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें क्या करते हैं, वो वेट गार्बेज होता है, वेट गार्बेज को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, बल्कि उनको हम सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना भाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बिरयानी होती है, राइस होते हैं, चावल अक्सर होता है कि हमसे बच जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, शादियों में, दावतों में आप देखते हैं कि बहुत से लोग छोड़ते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि बहुत से लोग छोड़ देते हैं। हमें अपनी प्लेट साफ़ करनी चाहिए, उतना ही निकालना चाहिए जितने हमने हमें खाना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, और जो वो छोड़ते हैं तो वो किसी काम नहीं आता, बल्कि क्या जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स में चला जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे सॉइल बनाने में, ब्लैक गोल्ड बनाने में यूज कर सकते हैं। तो रिसाइकिल क्या है, उसे दोबारा से कोई चीज नहीं बन सकती है, तो वो क्या है, हमारे पास राइस है, बिरयानी है, वेजिटेबल या फ्रूट्स के पील्स हैं, इसके अलावा जूसेस हैं जो हम फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं, जितने भी हमारे वेट हैं, जो हमारे पास अंडे टाइप के पीस, गंदी चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास वेट गार्बेज होता है, उसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे बिरयानी आ गया, राइस आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, जूस आ गए, तो हमारे पास 4 आइटम्स यहाँ पे भी हमने लिख दिए। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई आइटम्स आपको समझ में आते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप खुद से लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, बहन भाइयों, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें और यहाँ पे लिखें, चाहे उनको बताएं, खुद से बताएं कि भाई गार्बेज क्या होता है, ड्राई गार्बेज क्या होता है, वेट गार्बेज क्या होता है, किस चीज़ को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से देखें, इस काम को कंप्लीट करें, और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें बताएं कि आज हमने किस तरह से ये चार्ट बनाया है, क्या क्या चीज़ें सोच के हमने यहाँ पे लिखी हैं, इसको कैसे रिसाइकिल के बारे में हमने कॉलम बनाया, रिसाइकिल जिस तरह नहीं होता उसके बारे में हमने कॉलम बनाया है, और उसमें चीज़ें किस तरह से लिखी हैं, हमने क्या आइटम्स लिखे हैं, उनके बारे में डिटेल करें, बताएं, अपने काम की पिक्चर भेजें। कल मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।